हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिप टू जीके में। तो आज हम बिहार एसएससी के लिए स्पेशल मैथ का बैच लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। इस वीडियो में आप लोग को टॉप 10 मैथ का क्वेश्चन मिलेगा जो ट्रिकी मेथड से आप लोग के बीच प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये वीडियो जो आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन है 29 जनवरी 2017 को यह प्रश्न आया हुआ था, वही प्रश्न आप लोग के बीच ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर आ गया होगा कि दो अंक एक्स और वाई का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 और 48 हो तो एक्स और वाई दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालिए। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो अगर आप लोग अभी स्टैटिक पीरियड में हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीरो टू हीरो बनाने के लिए हम आपके पास उपस्थित है। इस वीडियो के तहत आप लोग को टॉप 10 मैथ मिलेगा और सभी ट्रिक के माध्यम से मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग पे स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि एक्स और वाई है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है एच सी एफ दिया हुआ है और वो है 4, और एल सी एम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 48, और कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल निकालिए। तो इसका एक सूत्र होता है, आप लोग भी इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि एल सी एम गुने एच सी एफ बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ये आप लोग को याद जरूर रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो देखिए एलसीएम दिया हुआ है यहाँ पर 48 और एचसीएफ दिया हुआ है 4 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए यही हमको मांग रहा है, यही क्वेश्चन के अनुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए गुणनफल यही ना हो गया, तो पहला गुने दूसरी संख्या जो हो गया इसको गुना कर दीजिए तो 8 चौके 32 3 16 3 92, तो 192 जो होगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीका से हम इस प्रश्न को हल करना सीख लिए हैं। तो बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। बिहार एसएससी बहुत ही जल्द एग्जाम लेने वाला है, तो आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए और इसी तरह का वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहता है। तो चलिए दूसरा प्रश्न आप लोग के बीच है कि 48, 108 और 140 का एचसीएफ निकालिए। 48, 108 और 140 का एचसीएफ निकालिए। देखिए 29/1/2017 को ये प्रश्न आया हुआ है, सभी बिहार एसएससी एग्जाम में इंटर लेवल के एग्जाम में आया हुआ है, वही आप लोग के बीच आज हम लाए हैं। तो कह रहा है कि 48, 108 और 140 का एचसीएफ निकालिए। तो देखिए इसको कैसे हमको हल करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटा वाला संख्या, तो छोटा वाला संख्या जो है 48 है, और उसके बाद हमें देखना है। तो इसको हम लोग जो हल करते हैं वो कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 16 × 3 = 48 होता है, तो 16 का हम लोग 1, 2, 3, 4 16 हो गया और गुने 3 हो गया। उसी तरह 108 है, तो 108 को मन में सोच लीजिए कि कैसे तोड़ा जाएगा, 12 नवा होता है 108, तो 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3 6 हो गया, 6 × 3 = 12 हो गया, अब 12 × 9 तो 3 × 3 हो जाएगा। उसी तरह 140 देखेंगे तो हमारा होता है 14 × 10 तो 7 × 2
14 हो गया और 10 को लिख सकते हैं 5×2। बस हमारा देखिए कितना फास्ट तरीके से टूट जाएगा। अब देखेंगे कि कौन कौन कॉमन है तीनों में। ये देखेंगे कि एक ये तो कॉमन है और एक ये दो कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको हम लोग गुणा कर लेंगे, यही आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 48, 108 और 140 का जो एचसीएफ होगा वो 4 हो जाएगा। देखिए तीसरा जो प्रश्न है 12 की पावर 1/2 का सरल रूप लिखिए। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि x के पावर 1/2 बराबर होता है √1 से, ये आप लोग जानते होंगे। तो इसको हम लोग अब सरल रूप निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि x के पावर 1/2 बराबर होता है √1 से, तो वही यहाँ पर कह रहा है कि 12 की पावर 1/2 बराबर, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो √12 हो जाएगा। तो x बराबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 12 है तो 3×4 हो जाएगा, और 4 को आप लोग बाहर निकाल दीजिए, तो 4 को बाहर निकाल दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यही 12/1/2 का सरल रूप हो गया। फ्रेंड चौथा क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक अंक जिसके 7×15 घटाने से उस अंक के 2×10 अधिक प्राप्त होता है तो वह संख्या होगा। इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं, चलिए देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको बैठाने आना चाहिए। तो कह रहा कि एक अंक, तो कोई भी अंक है तो उसको एक को x मान लीजिए के 7×15 घटाया जाए। देखिए जो कह रहा है बस उसी को हम लोग लिख लेना है, बस बराबर कह रहा है उस अंक के 2×10 अधिक हो जाता है। देखिए जो कहे बस उसको अंक में हमको दर्शा देना है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 7x-15 हो जाएगा और यहाँ पर 2x+10 हो जाएगा। तो देखिए इधर इसको इधर लेके चलाइए तो 7×2 घटेगा तो 5x बचेगा। और देखिए इधर माइनस में है उधर प्लस में जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो हम x बराबर निकाल सकते हैं 25/5, तो इसका जो आंसर होगा वो 5 हो जाएगा। तो वह जो संख्या है वो 5 है। तो इस तरीका से इस प्रश्न को भी हम लोग हल करना सीख लिए हैं। तो बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं, ए अकेला उस कार्य को 12 दिनों में करता है तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये सिर्फ समझना है आप लोग का और उत्तर आप लोग का हो जाएगा। तो कह रहा है देखिए एक देखिए ए बी के है, ए बी है तो ए गुने बी जो कार्य कर रहा है 4 दिन में, और ए सिर्फ काम कर दे रहा है 12 दिनों में, तो बी बराबर वाट, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कैसे बनाइएगा आइए सीख लीजिए। तो जब भी 2 में से 1 घटाना रहेगा, देखिए 2 में से 1 घटाना रहेगा तो 12×4 कर दीजिए और 12-8 कर दीजिए, 12-8 कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि 12×4 और बटन में सॉरी यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अब इसको हल कर दीजिए तो ये होगा 2 और ये होगा 6। तो ये जो बी जो काम करेगा वो 6 दिनों में पूरा कर लेगा। तो इस तरीका से इस प्रश्न को भी हम लोग ने हल करना सीख लिए हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अच्छा लगे तो जरूर शेयर जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए छठा जो प्रश्न है बहुत ही आसान है, 5/6, 7/8, 11/12
और 3/10 में न्यूनतम कौन है। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग दोनों का अंतर देखिए, तो दोनों का अंतर देखिए, 3 में जो अंतर है वो 1 का है, लेकिन 1 में अंतर जो है वो 7 का है। तो जो सबसे ज्यादा अंतर ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि जो सभी में एक ही अंतर हो और एक अलग अंतर हो, तो जो अलग अंतर होगा वही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। लेकिन 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 जब आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो बहुत ही छोटा भाग है, इसको करके जरूर देख लीजिएगा, मन के संतुष्टि हो जाएगा। तो 5/6 को हम लोग हल करेंगे तो 0.83 आ जाएगा, और 7/8 को हल करेंगे तो 0.87 हो जाएगा, और उसी तरह इसको हल करेंगे तो 0.91 आ जाएगा, और 3/10 को करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो देखिए इसमें से न्यूनतम कौन है, आप लोग अब देख सकते हैं कि न्यूनतम जो हमारा है 0.3 है। तो उसी तरह इसका जो आंसर होगा 3/10 हो जाएगा। तो दोनों तरीका जो आप लोग को अच्छा लगे वो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो फ्रेंड 7वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 1 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम लोग को ज्ञात करना है कि जो 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य है x पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है, और जो लाभ है 25% है, तो कैसे हम लोग इसका हल निकालेंगे। लाभ को हम लोग को जो हमारा जो संख्या है वो 100 है, प्रतिशत के मतलब होता है 100, तो ये 100 है और इस पर हम लोग लाभ लिए हैं 25% का, तो यही हमारा 20 के बराबर दिया हुआ है, 20 के बराबर दिया हुआ है। तो इसको हम हल करेंगे तो 125% बराबर 20, तो हम लोग 100% बराबर हम लोग निकालेंगे तो 16 हो जाएगा। तो प्रतिशत का एक लाइन में ट्रिक पाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि इसका हम पूरा विस्तार रूप से आप लोगों को भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, जो आप लोग एक लाइन में आंसर दे सकते हैं। मुंह जबानी प्रतिशत का ट्रिक आज आप लोग के बीच हम, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोग को ये जरूर मिलेगा कि कैसे हम लोग इसको हल किया है। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड 8वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच, देखिए 7500+1250/50 बराबर है, दोनों को सिर्फ हम लोग को जोड़ देना है। तो कैसे हल करेंगे, तो 7500+ देखिए 1250 है बटा 50 है, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया और 5 से 125 25 बार में कट गया, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे 7500+25 आंसर हो जाएगा 7525, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड 9वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग बीच के, दो आदमी और दो बच्चों के लिए एक संग्रहालय का टिकट की कीमत 24 रुपया है, तो फ्रेंड 9वां प्रश्न लेकर उपस्थित है कि दो आदमी और दो बच्चों के लिए एक संग्रहालय में टिकट की कीमत 24 रुपये है, तो दो आदमियों के टिकट का मूल्य ज्ञात करिए, जिसमें एक आदमी का टिकट बच्चों का दोगुना है। क्वेश्चन आप लोग को समझना है कि एक आदमी का टिकट है बच्चों के दोगुना दाम है, तो कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि दो आदमी और दो बच्चा का टिकट का मूल्य जो है वो 24 रुपया है, 24 रुपया है, और कह रहा है कि जो बच्चा का मूल्य अगर 1 रुपया है तो आदमी का मूल्य जो है वो 2 रुपया है, यही हमारा 24 रुपया के बराबर है, 24 रुपया के
बराबर है। तो देखिए इसमें अगर हम लोग दो से भाग गुना करते हैं, क्योंकि हमने इसको दो माने हैं और इसमें हम लोग अगर दो से गुना कर देंगे, दोनों में दो से गुना कर देते हैं, दोनों में दो से गुना कर देते हैं बराबर 24, तो ये हो जाएगा चार और ये हो जाएगा दो, ये हो जाएगा चार और ये हो जाएगा दो बराबर 24। तो चलिए 6 = 24 हो गया। हमने बस जो क्वेश्चन कह रहा है बस वही कर दिया है। 6 = 24 हो गया, तो 1 = हम लोग निकाल देंगे 4। 1 = 4 निकाल दिए तो दो आदमी का पूछ रहा है, तो एक आदमी का 4 रुपया, तो दो आदमी का 4 × 8 रुपया का टिकट हो जाएगा, 8 रुपया इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है कि √2, √3, √4 और 4√6 को आरोही क्रम में सजाए, तो कैसे इस प्रश्न को हम लोग हल करें कि कम से कम समय में आप लोग इसका हल कर लेंगे। तो देखिए अब हल करना जरूर सीख लीजिए। तो 2^1 रूट का मान होता है 1/2, ये आप लोग को याद रखना है। 4^1/3 और वही 6^1/4, तो इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब कैसे हम लोग हल करेंगे, तो देखिए 2, 3, 4 ऊपर में जो बटा में है 2, 3, 4 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो बस हम लोग भाग करते चल जाएंगे। 2 में 12 से भाग देंगे तो 2^6 हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो हमारा 4^4 हो जाएगा, और उसी तरह 4 में 12 से देंगे तो 6^3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो 2^6 हमारा 64 होता है, 4^4 करेंगे तो हमारा 256 हो जाएगा, और उसी तरह 6^3 करेंगे तो 216 हो जाएगा। अब आप लोग आरोही क्रम में सजा सकते हैं। आरोही मतलब सबसे छोटा पहला, तो सबसे छोटा कौन है, तो 64 है, तो 1 नंबर पर 64 है, 2 नंबर पर ये है और 3 नंबर पर ये है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 नंबर पर √2 है, 2 नंबर पर है 4√6 और 3 नंबर पर है 3√4। तो देखिए कैसे हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से टॉप 10 मैथ जो आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था का शॉर्ट ट्रिक आज आपके बीच दिया गया है। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा एक कमेंट जरूर कीजिएगा और इस भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।